हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ टमाटर की चटनी। टमाटर की चटनी क्यों बना रही हूँ? क्योंकि अरसल गए हुए थे, आप लोगों को पता है सबको, हैदराबाद। तो घर में आलू गोश बना हुआ था। अरसल को दिल चाह रहा था बेसन की रोटी और चटनी खाने का। मैंने बोला चले बेसन की रोटी और चटनी बना लेते। तो यहाँ पर मैं लग गई हूँ उसको बनाने के लिए। टमाटर मैंने कट कर दिए हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं टमाटर कट हो चुके हैं। और मेरी आदत है हाथ की हाथ छुरी धो के रखती हूँ मैं। तो अब यहाँ पर मैं आटा गूंदने की तैयारी करूँगी। अरसल का वेट कर रही हूँ। अरसल ने कहा 1 बजे आ जाऊँगा, फिर कहा 1:30 बजे आ जाऊँगा, फिर 2 बज गए, फिर 2:30 बज गए। मैंने बोला इनके आने के चक्कर में और 3 बजे गैस आती, तो मैंने कहा पहले तैयारी कर लेती हूँ, जैसे ही वो आएंगे गरम गरम उनको पराठा डाल के दे दूँगी। यहाँ पर मैंने निकाल लिया तसला, तसला कहते हैं, वो तसला निकाल लिया है। अब बेसन की चटनी, वो बेसन की रोटी बनाने की तैयारी करेंगे। मेरे पास 1 कप की मेजरमेंट है, तो मैं मेजरमेंट इसके हिसाब से बनाती हूँ। तो बिल्कुल परफेक्ट आटा गूंदता है, ना कम होता है ना ज़्यादा होता है, ना आटा कम होता है ना बेसन कम होता है, दोनों इक्वली होते हैं और चिपकता नहीं है। बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छा आटा गूंद जाता है। तो यहाँ पर मैंने 1 कप ले लिया है आटा, ये देख सकते हैं आप लोग। और अब मैं बेसन लूँगी, ये कप है मेरा, ये मेजरमेंट कप है, इसके बिल्कुल अकॉर्डिंग मैं लेती हूँ ना, तो बिल्कुल परफेक्ट बनता है। ये उज़ैफिया इसके साथ कर रही है छेड़खानी। और उसी मेजरमेंट कप से मैंने ले लिया है 1 कप मैदा। ये आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर डल्ले बने हुए थे, तो मैं इसकी जो गुटलियाँ हैं, ये जो डल्ले बने हुए हैं, इसको मैं तोड़ रही हूँ ताकि बिल्कुल सही से आटा गूंदे। ये देखें, ये आप लोग देख सकते हैं, इसको मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से तोड़ के मिक्स कर रही हूँ। मिक्स तो वैसे भी आटा गूंदते हो जाएगा। और ये देख सकते हैं आप लोग कितना फाइन वाइट आटा है, लेकिन मैं वाइट आटे में नहीं बनाती हूँ, मैं बनाती हूँ लाल आटे में। लाल आटा हो चुका था ख़त्म, तो इसलिए मजबूरी में मुझे बनाना पड़ा वाइट आटे का। तो इसके अंदर अब मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच ज़ीरा, और उसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी पिसी, पहले नमक डाल ली हूँ, ये मैंने डाला है नमक। इसके बाद इसके अंदर डालेंगे हम थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें, सादा मिर्चों वाला नहीं बना रही मैं वो, इसलिए क्योंकि ऑलरेडी चटनी में भी मिर्चें होंगी, तो फिर अगर रोटी में भी बहुत ज़्यादा मिर्चें हो जाएंगी तो फिर बहुत मिर्चें लगेंगी ज़ाहिर। और आपको पता है कि अरसल मिर्चें कम खाते हैं। और यहाँ पर मैंने गूंदना शुरू कर दिया है आटा, ये आप लोग देख सकते हैं। हरी मिर्ची और हरा धनिया जो है वो एंड में मैं डालूंगी, जब पूरा आटा गूंद जाएगा उसके बाद, जब इसकी पूरी डो बन जाएगी, तैयार हो जाएगा आटा गूंद के, उसके बाद मैं डालूंगी इसके अंदर हरी मिर्चें और हरा धनिया। ये आप लोग देख सकते हैं कितनी आसानी से आटा गुन रहा है, कोई मुश्किल नहीं हो रही, ना हाथों में चिपक रहा है, ना वो परात में चिपक रहा है। ये हम लोग परात बोलते हैं, आप लोग सब तसला बोलते होंगे, बाज लोग परात बोलते हैं, बाज लोग तसला बोलते हैं। 12:30 बजे आ रहा हूँ। मैंने क्या बोलता कि 1 या 2? 3 बज रहे बेटा जी। 1 या 2 आप लोग, टाइम क्या हो रहा है? और सरवाई का मुझे लगा कि अरसल भाई आ गए हैं, पर अरसल भाई नहीं आए हैं। और यहाँ मैं डाल रही हूँ, देख सकते हैं आप लोग, हरा धनिया काट के डाल रही हूँ। हरा धनिया ये कटिंग करके डालती हूँ मैं, अगर कटिंग करके ही अच्छा लगता है, क्योंकि ज़्यादा बड़े बड़े पत्ते हो ना तो वो मज़ेदार ही नहीं आती है आटे के अंदर। या सालन में भी अगर आप लोग डालते हैं तो कैसे डालते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं तो सालन हो या ऐसे कोई पराठे में हो या आलू के पराठा हो, कोई भी पराठा हो, मैं उसमें कटिंग करके डालती हूँ। आप लोग कैसे डालते हैं ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लाजमी मुझे बताइएगा। और आप लोग कितने ज़्यादा मिर्चें खाते हैं, कौन कौन ज़्यादा मिर्चें खाता है, कौन कम मिर्चें खाता है, वो भी बताइएगा। हमारे घर में, मतलब मेरी मम्मा के घर में सही नॉर्मल मिर्ची खाई जाती है, और यहाँ पर मेरे घर में कम मिर्चें खाई जाती है, तो इसलिए मैं मोटी मोटी काट रही हूँ ताकि अगर आए तो निकाल दें। बारीक आती है तो भी ये लोग चबा के खा लेते हैं, इन लोगों को नज़र नहीं आती,
और मोटी हो तो आराम से खा लेते हैं। यहाँ पर मैं कर रही हूँ आटे की मालिश कि ये और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए और पराठे बने बहुत ही यमी यमी। तो इसके लिए पराठे अच्छे बनने के लिए चाहिए होता है हमें कि हमारा आटा भी बहुत अच्छी तरीके से गुना हुआ हो। तो इसलिए मैं पहले आटे को बहुत अच्छी तरीके से गून रही हूँ, क्योंकि अभी अम्मी ने भी परसों आटा गूना था ना, तो उसका भी बहुत अच्छी तरीके से, वो परसों जो आटा गूना था ना वो बहुत अच्छा गूना था, तो हर रोटी फूल रही थी। जितनी मैंने अपने लिए और असल की रोटियां बनाई ना, वो सारी रोटियां रोटी फूल रही थी। बहुत अच्छा मज़ेदार सॉफ्ट सॉफ्ट सा आटा था, तो सॉफ्ट सॉफ्ट सी रोटियां भी सॉफ्ट। और वाइट आटा तो ऐसा होता है कि ठंडा होते ही बिल्कुल कड़क हो जाता है, रबड़ हो जाता है। आप लोग कौन सा आटा खाते हैं वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। हम लोग तो लाल आटा खाते हैं, मेरी मम्मा के घर में भी लाल आटा खाया जाता है, यहाँ पर भी। सिर्फ उमैमा को जो है ना वाइट आटे के पराठे और रोटी पसंद है। रोटी तो फिर भी वो लाल आटे की खा लेती है, लेकिन उसको पराठा वाइट आटे का ही अच्छा लगता है, फाइन जो वाइट आटा होता है ना। तो ये आपसे बातों बातों में यहाँ पे मेरा आटा गुन चुका है। यहाँ उज़ैफ़ी बता रही है कि ये देखें आप आराम से 3 पीस कर सकती हैं। अगर आप लोगों को लग रहा है उज़ैफ़ी के हाथ गंदे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं अपने हाइजेनिक का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ, ये मैं गंदगी और ये सब नहीं पसंद करती। तो पहले ही जब मैंने उसको कैमरा पकड़ाया था, उससे पहले ही मैंने उसको कहा था कि साबुन से हाथ धो ले, और अपने मेरे सामने ही उज़ैफ़ी ने अपने साबुन से हाथ धो लिए थे। तो इसलिए बराए मेहरबानी कमेंट बॉक्स में ये मत कहिएगा कि उज़ैफ़ी के हाथ गंदे हो रहे हैं या नहीं। फिर भी मैंने उसको टोक दिया था कि उज़ैफ़ी आप नाइफ़ से कर लो, फिर लोग कहेंगे कि आपके हाथ गंदे हैं या हाथों गंदे हाथ आपने उस पर लगा लिए। मैं हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ, इसलिए मैं पहले ही हाथ धुलवा चुकी थी। और यहाँ पर आटा गुन चुका है मेरा, और यहाँ पर सबसे उसके बाद अब मैं यहाँ पर टमाटर की चटनी की तैयारी कर ली हूँ। तो सबसे पहले फ्राई पैन में डाल लिया है मैंने ऑयल। ऑयल डालने के बाद डाला है 1.5 टेबल स्पून ज़ीरा डाला है मैंने, 1 टेबल स्पून लिया पहले, उसके बाद 1/2 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम जो है और लिया। फिर अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ राई दाना। राई दाना मैं बघार वाली चीज़ों में लाजमी डालती हूँ, क्योंकि खुशबू अच्छी आती है, टेस्ट अच्छा आता है। आप लोग भी ट्राई कीजिए, राई दाना डालें, बहुत मज़ेदार और यमी सा खाना लगेगा। और यहाँ पर मैंने ज़ीरा और राई फ्राई कर लिए हैं। तो मैं बता रही थी आप लोगों के, मैं राई दाल में भी डालती हूँ, कढ़ी में भी डालती हूँ, और चटनी में, टमाटर की, दही बड़ों के बघार में, इन सब चीज़ों में राई दाना मैं लाजमी डालती हूँ, क्योंकि उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें इसको, बहुत मज़ेदार सा ज़रूर अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। और यहाँ पर राई और ज़ीरा जो है फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं टमाटर और हरी मिर्चें। यहाँ पर मैंने टमाटर ज़्यादा लिए हैं, हरी मिर्ची सिर्फ और सिर्फ 3 हरी मिर्चें लिए हैं, क्योंकि ये लोग, फिर मैंने कहा हमारे घर में सब कम मिर्चों का खाते हैं। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और मिर्ची ले सकते हैं। तो यहाँ पर पानी नहीं डालेंगे हम टमाटर में, क्योंकि ऑलरेडी टमाटर पानी अपना बहुत ज़्यादा छोड़ते हैं, तो इसलिए हम इसके अंदर पानी बिल्कुल भी थोड़ा सा भी नहीं डालेंगे। हम इसी पानी में इसको अच्छी तरीके से गलाएंगे। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ हल्दी पाउडर। यह हल्दी पाउडर डाल दिया मैंने 1/2 टीस्पून, ठीक है। ये हल्दी पाउडर डाल चुके हैं हम। अब डालेंगे हम इसके अंदर नमक और कुटी मिर्चें। पहले इसको ज़रा मिक्स कर लें हम अच्छे से, अच्छी तरीके से। अब हम इसको मिक्स करेंगे पहले के, ताकि हल्दी जो है वो पूरी चटनी में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। बड़ी पत्ता बड़ी मैगी बनाई थी माशाल्लाह, बस करो मेरी माँ बहुत मिर्च खाते हैं वैसे। पापा की आवाज आने वाली, जब बरसल आएंगे तो बेसन की रोटी बना लेंगे। आपको रोटी बना के देंगे ये रोटी नहीं रखी हुई हमारी। हाँ, जमीन में कहाँ बनाई रोटी? पराठे पराठे थे
ठीक है पर जाती है। जोर लगाना पड़ रहा है ना, नहीं कोई जोर नहीं, लेकिन इस पे चिपक रहा है। आटा लगा लो दादा। चिपकेगा बीबी। वही तो भी बन चुकी है, चटनी भी बन चुकी है, यहाँ पे बन गया पराठा। तो व्हाइट क्यों हो रहा है? लाल रंग डलता है, डाल दिया। उतर के आ रहा है या रही है मनीषा भाभी? नहीं नहीं आज बनानी पड़ेगी। चलो अच्छी बात है। तो ना खा लो पहले आप। मजे का अच्छा, लेकिन अपने लाल आटे के साथ होता तो और मजेदार होता। लाल वाला आटा को पता आ गया साथ में जहर भी था बेटा, साथ में जहर भी है, मेरी बात भी सच हुई। अभी क्यों आए हो? जाओ वापस। जलने दो, मेरा मोबाइल का जलना है ना। तो ये था भाई हमारा शहरी ब्लॉग। अगर आप लोगों को आज का ब्लॉग शहरी का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और अरसल आ चुके हैं और आज अफतारी वाले ब्लॉग में सब बताइएगा कि अरसल को किस किस ने मिस किया ब्लॉग के अंदर। मैंने तो जाहिर है मैंने तो बहुत ज़्यादा किया, आपने किया मुझे बस। ये तो आपको ही बताया आप हाँ या ना में जवाब दिया करें। अभी हाँ या ना पे वैसे ही हमारी लड़ाई होते होते बची है। बताएं किया है या नहीं? नहीं मिस किया हुआ, किया है क्यों नहीं किया है? सच्ची बताएं, दिल रखने के लिए भी बोल रहे हैं। सच्ची बच्ची की क्या बात है इसके अंदर। अब मैं था नहीं, मेरे दोस्त का नहीं गा था, मेरे हैदराबाद जाना भी जरूरी था क्योंकि वो मेरी शादी के अंदर हर चीज के अंदर आया था, इनफैक्ट वो मेरे निकाह के अंदर भी आया था। बस उसी वजह से मैंने थोड़ा सा अपने गुस्से को काबू कर लिया, वरना खैर आज का ब्लॉग अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलते। मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें।